हे व्यूअर्स, मैं हूं फरहान आरिफ और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन 43 पर। आज का विषय है ड्राइंग का परिचय। ड्राइंग, यदि किसी वस्तु को कागज पर बनाया जाता है तो उसके प्रतिनिधित्व को ड्राइंग कहा जाता है। इसके तीन प्रकार हैं, आर्ट ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग। पहला, आर्ट ड्राइंग। यदि ब्रह्मांड की चीजों की आकृति कागज पर खींची जाए तो उसके प्रतिनिधित्व को आर्ट ड्राइंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे पेड़, पशु, पर्वत या कोई प्राकृतिक स्थल, ये सभी आर्ट ड्राइंग के अंदर आते हैं। दूसरा है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। कागज पर तैयार की गई ज्योमेट्री संबंधी वस्तुओं के प्रतिनिधित्व को ज्योमेट्रिकल ड्राइंग कहा जाता है। उदाहरण, स्क्वायर, त्रिकोण, सिलेंडर, गेंद आदि। ड्राइंग का तीसरा और मुख्य प्रकार, इंजीनियरिंग ड्राइंग। कागज पर तैयार और दिखाई गई इंजीनियरिंग संबंधी वस्तुओं की ड्राइंग को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। उदाहरण, भवन की ड्राइंग, मशीन की ड्राइंग या इलेक्ट्रिकल फिटिंग की ड्राइंग, ये सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग की कैटेगरी में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी ड्राइंग उपकरण। इंजीनियरिंग ड्राइंग की फैकल्टी में सरल तरीके से ड्राइंग बनाने के लिए और सटीकता के लिए बहुत सारे ड्राइंग उपकरण हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले ड्राइंग उपकरण, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर यानी चादर, फ्रेंच कर्व, स्केल यानी पैमाना और ड्राफ्टिंग मशीन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग की जाने वाली ड्राइंग सामग्री, पेंसिल जिससे हम ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग शीट जिसपे हम ड्राइंग बनाएंगे, इरेजर ड्राइंग में की गई किसी गलती को मिटाने के लिए इरेजर, ड्राइंग फास्टनर, यहां पे हमारे पास है बोर्ड पेन, सेलो टेप और इलास्टिक क्लिप। ये तीनों ड्राइंग फास्टनर की कैटेगरी में आएंगे और इनसे हम ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगाएंगे। डस्टर क्लॉथ, ड्राइंग पे आई हुई कोई गंदगी या धूल को हटाने के लिए डस्टर क्लॉथ, सैंड पेपर जिससे हम पेंसिल की नोक को तेज करेंगे, ड्राइंग इंक, इंकिंग पेन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए ड्राइंग इंक और ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ जिससे हम मल्टीपल ड्राइंग बनाएंगे या किसी ड्राइंग की कॉपी करेंगे। ड्राइंग शीट, इंजीनियरिंग ड्राइंग मानक ड्राइंग शीट पर तैयार की जाती है। ड्राइंग शीट की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात होता है 1:2। उदाहरण के लिए A0 ड्राइंग शीट की लंबाई होती है 1189 mm और चौड़ाई होती है 841 mm। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट A0 का अनुपात बन जाता है 1:2। ये हमको याद रखना है, हर ड्राइंग शीट का अनुपात 1:2 ही होता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट का माप। सबसे पहले हमारे पास है A8 साइज जिसका नाप है 52x74 mm।
यहाँ मौजूद है हमारे स्क्रीन पे दो A8 साइज जो कि मिलके बनते हैं A7 साइज, जिसका माप है 74x105, और दो A7 मिलके बनते हैं A6 जिसका माप है 105x148, और यही दो A6 मिलके बनते हैं A5 जिसका माप है 148x210, और दो A5 को जोड़ के बनता है हमारा A4 साइज, जिसको हम नॉर्मली फोटोकॉपी या प्रिंटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसका माप है 210x297। दो A4 जोड़ के बनते हैं A3 साइज, जिसका माप है 297x420। और दो A3 को जोड़ने से बनता है हमारा साइज A2, जिसका माप है 420x594। और दो A2 जोड़ के बनते हैं A1 साइज, जिसका माप है 594x841। और सबसे बड़ा साइज है A0, जिसका माप है 841x1189, जो कि हम बड़े भवन या किसी बड़ी इमारत का नक्शा निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सारे साइज MM। अब हम डिस्कस करेंगे लेआउट इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट का। किसी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका लेआउट क्या रखना है। यहाँ हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है जनरल लेआउट ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट। इस जनरल लेआउट में हमें चारों तरफ बॉर्डर 20 mm की रखनी है साइज A0 और A1 के लिए, और साइज A2, A3 और A4 के लिए हमें चारों तरफ बॉर्डर रखनी है 10 mm की। बीच का स्पेस हमारा ड्राइंग स्पेस कहलाएगा, और बॉटम राइट कॉर्नर पे हमारे मौजूद होगा शीर्षक ब्लॉक यानी टाइटल ब्लॉक, जिसका साइज होगा 170x80 mm। दूसरा हमारे पास लेआउट है जो कि हम क्लास के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये जनरल लेआउट से थोड़ा सा हटके है। इसके अंदर हमारी लेफ्ट साइड की बॉर्डर 20 mm रहेगी, और बाकी तीन साइड की बॉर्डर 10-10 mm की रहेगी। साइड की बॉर्डर हमारी 20 mm की फाइलिंग मार्जिन कहलाएगी, जिसमें हमारा पंच होल या बाइंडिंग के मार्जिन को रख के 20 mm किया गया है। बॉटम राइट कॉर्नर में हमारे मौजूद होगा 170x80 का शीर्षक ब्लॉक यानी टाइटल ब्लॉक, और बीच में ड्राइंग स्पेस। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार होने के बाद उसे हम किस प्रकार स्टोर करें या तय करके रखें। इंडियन स्टैंडर्ड 11664/1999 में ड्राइंग शीट को तय करने की विधि निर्देशित की गई है। ड्राइंग शीट को तय करने की दो विधि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा निर्देशित की गई है, जिसमें पहली विधि में ड्राइंग शीट को फोल्ड करके पंच करके फाइल में लगाने का तरीका बताया गया है, या फिर बाइंड करने का तरीका बताया गया है, और दूसरे तरीके में ड्राइंग शीट को फोल्ड करके फाइलिंग कैबिनेट में रखने का तरीका बताया गया है। दोनों ही तरीकों में शीर्षक ब्लॉक यानी टाइटल ब्लॉक हमेशा दृश्यमान होगा और सामने से नजर आएगा। पहले तरीके को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं ड्राइंग शीट A2 का। यहाँ पे पहले कॉलम में हमारे पास मौजूद है शीट डेजिग्नेशन, जिसके अंदर लिखा है A2 साइज, उसका माप है 420x594 mm। दूसरे कॉलम में हमें दिखता है फोल्डिंग डायग्राम, यानी कहाँ पे हमें क्रीसेस बनानी है ड्राइंग शीट को फोल्ड करने के लिए, और कहाँ पे पंच मार्क बनाने हैं ड्राइंग शीट को पंच करने के लिए। तीसरे कॉलम में हमें दिखता है कि लंबाई की तरफ से ड्राइंग शीट को किस प्रकार मोड़ना है, और चौथे और आखिरी कॉर्नर में पता चलता है हमें ड्राइंग शीट को क्रॉस वाइज यानी साइड से कैसे मोड़ना है। ये तरीका है हमारी ड्राइंग शीट को फाइल या बाइंड करने का। अब जो दूसरा तरीका है, उसके अंदर हमें पंच होल या पंच मार्क की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि ड्राइंग शीट को केवल मोड़ कर फाइलिंग कैबिनेट में रखता है। तो यहाँ पे हमारे पास वही ड्राइंग शीट है A2 जिसका माप है 420x594 mm। दूसरे कॉलम में हमें लिखते हैं ड्राइंग फोल्डिंग डायग्राम जिसके अंदर हमें दिखती है क्रीसेस, कहाँ से हमें ड्राइंग शीट को फोल्ड करना है। तीसरे कॉलम में लंबाई की तरफ से कहाँ से फोल्ड करना है और चौथे आखिरी कॉलम में साइड से कैसे हमें फोल्ड करना है। ये तरीका है ड्राइंग शीट को फाइलिंग कैबिनेट में स्टोर करने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन 43। थैंक यू।